हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाजार पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड 12th क्लास का जो जीव विज्ञान का पेपर था, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो पेपर है ये 2020 का पेपर है, जीव विज्ञान का 12th क्लास का है ये, और इसका जो कोड है वो है 348WK, और पेपर जो आता है 70 नंबर का पेपर आता है बायोलॉजी का, और समय है इसका 3 घंटे 15 मिनट। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। यहाँ पे इन्होंने कुछ नीचे दे रखा है नोटिफिकेशन, कैसे कैसे करना है आपको, आगे देखिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन शुरू होता है हमारा, जीवों के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरे का कारण है, मरुस्थलीकरण, विकिरण, वनों का कटाव, इनमें से कोई नहीं। जीवों के अस्तित्व को सबसे बड़े खतरे का कारण है, तो इसमें थर्ड वाला सही हो जाएगा, वनों का कटाव। और सेकंड है, निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है, तो इसका बी है गुड़हल। थर्ड क्वेश्चन है, अनिषेक जनन होता है मधुमक्खी में, मेंढक में, छिपकली में, इनमें से कोई नहीं, तो इसका फर्स्ट वाला सही है, मधुमक्खी में होता है अनिषेक जनन। और चौथा क्वेश्चन है, देखिएगा फ्रेंड्स, प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है, नील हरित शैवालों से, जीवाणुओं से, ब्रायोफोटा से, विषाणुओं से, तो इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा, जीवाणुओं से। ठीक है गाइस, और यहाँ पे देखिएगा इन्होंने इंग्लिश में दे रखे हैं ये सेम वाले क्वेश्चन, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड वाला क्वेश्चन, तो इन्होंने एक नंबर में क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा बाह्य निषेचन के बारे में, और खै दे रखा है इन्होंने, सरस गोदेदार फल के दो लक्षण लिखिए, ये भी एक नंबर में है, और गै दे रखा है इन्होंने, भारत में पारिस्थितिकी का जनन किसे कहते हैं, भारत में पारिस्थितिकी का जन्म किसे कहते हैं, एक नंबर में है ये भी। और घ है, टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है, तो ये भी एक नंबर में है। और ल है, शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए, तो इसे भी कर लीजिएगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पर। और देखिएगा, आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, ये जो हैं दो दो नंबर के हैं, जलोभिद पौधों के आकारिकीय अनुकूल का संक्षेप में वर्णन कीजिए, तो दो नंबर का है। और खै देखिए, परिजीविता एवं सहोपकारिता में अंतर स्पष्ट कीजिए, दो नंबर में। और गै है, जैव प्रबलीकरण क्या है, दो नंबर में। और घै दे रखा है इन्होंने, मादा युग्म कोदिद के विकास का केवल रेखीय चित्र बनाइए, तो यहाँ पर आपको केवल चित्र बनाना है, दो नंबर में। और ल है, परिवार नियोजन राष्ट्र के हित में है, औचित्य समझाइए, तो कर लीजिएगा इन्हें भी आप, दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं यहाँ पे। और देखिएगा, यहाँ से चौथा प्रश्न स्टार्ट होता है, तीन तीन नंबर के हैं ये सारे, ये तो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। आवृत बीजी पौधों में भ्रूण पोष का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण पोषी तथा अभ्रूण पोषी बीजों में उदाहरण देकर अंतर कीजिए, तीन नंबर में। खै है, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले किन्हीं दो रोग जनकों का नाम लिखिए तथा इनके नियंत्रण के उपाय लिखिए, तो ये भी देखिएगा तीन नंबर में है। और गै है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो इनमें से आपको दो दे रखे हैं इन्होंने, आपको दो में एक पर संक्षिप्त नहीं, दोनों पर लिखनी है आपको इन पर टिप्पणी, डेढ़ डेढ़ नंबर में। और इसमें देखिएगा, घ दे रखा है इन्होंने, इनमें अंतर स्पष्ट करना आपको दोनों में, ये भी तीन नंबर का है। आगे देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पाँचवा क्वेश्चन, प्रदूषण को परिभाषित कीजिए, तीन नंबर में है देखिएगा ये। और खे दे रखा है इन्होंने, प्रतिबंध एंजाइम से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए, तो तीन नंबर का ये भी। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका, नहीं, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका का उल्लेख कीजिए, तो तीन नंबर में देखिएगा ये भी। और घ है, परितंत्र के जीवित घटकों के लिए फास्फोरस आवश्यक कारक है, स्पष्ट कीजिए तथा फास्फोरस चक्र का एक रेखीय चित्र बनाइए, तो गाइज ये भी तीन नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है छठा क्वेश्चन, छठे का क्या, प्राकृतिक बदल सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो यह है डेढ़ नंबर में। और डेढ़ नंबर में नीचे वाला है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का संक्षिप्त विवरण। और खे दे रखा है इन्होंने, मेंडल के बारे में, तीन नंबर में ये भी। और गै है, कोशा में पाए जाने वाले तीन प्रकार के आरएनए के नाम लिखिए, इनके प्रत्येक कार्य लिखिए, तो ये भी तीन नंबर में गाइस। और घ है, जीन चिकित्सक से क्या अभिप्राय है, उचित उदाहरण देकर समझाइए, तो ये भी तीन नंबर में है।
आगे देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके पाँच पाँच नंबर वाले क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन पाँच नंबर का है, यहाँ पे आपको टिप्पणी लिखनी है किन्हीं दो पर, तो लिख सकते हैं आप इनमें से कोई से पे भी। और अगर आप इनमें से नहीं चाहें किसी पे लिखना तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इन्होंने तीन ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, दो में से लिखनी है आपको यहाँ पर किसी में। सेम क्वेश्चन है सातवां, अथवा में दे रखा है नीचे यहाँ पर इन्होंने। और देखिएगा आठवां क्वेश्चन ये रहा आपका, आनुवंशिक की कूट पर एक निबंध लिखिए पाँच नंबर में, और DNA फिंगरप्रिंट पर टिप्पणी लिखिए, और इस पर लिखनी है आपको लिंग सहलग्न वंशावति पर, पाँच नंबर में हो जाएगा ये भी आपका। और आगे देखते हैं गाइस क्या क्या दे रखा है इन्होंने। और यह है लास्ट क्वेश्चन नोवा, मानव के उद्विकास पर एक निबंध लिखिए पाँच नंबर में, और अथवा में दे रखा है इसका इन्होंने, आप किन्हीं दो पर टिप्पणी लिख सकते हैं इन पर पाँच नंबर में। ढाई नंबर की है, ढाई नंबर की है, तो अगर आप इसे करना चाहें तो इसे कर सकते हैं, वरना दो कर लीजिएगा आप नीचे वालों से। तो गाइस बस इतना ही था वीडियो में, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस बस इतना ही, अच्छी वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।